जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमते नमः। संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करे सम्मान। तेहि के कारण सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए, संकट से रक्षा करो हे महावीर हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय हनुमान, जय जय हनुमान। आज आपका सोया हुआ नसीब भी अचानक चमकेगा, बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। आज आप नए नए काम करेंगे, शुभ समाचार और भाग्य का साथ भी आपको प्राप्त होगा। निराशा परेशानी आपकी जीवन की दूर होगी। संपत्ति के लिए समय शुभ है, उन्नति तरक्की के लिए समय अच्छा है। भाग्य का सितारा चमक रहा है, क्योंकि अश्वनी नक्षत्र का केतु और भरणी नक्षत्र का शुक्र आपके भाग्य को चमका रहा है। आपकी कुंडली में केतु शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया मंगल बृहस्पति की दृष्टि है। जीवन से रुकावटें दूर होगी, मन की इच्छा पूरी होगी, सुखी जीवन होगा, वैवाहिक जीवन में सुखता बढ़ेगी, शुभ स्थिति आपके जीवन में खूब तरक्की लेकर आएगा, धन संपत्ति बढ़ेगा। आज स्त्री से लाभ होंगे, आपकी कठिन परिस्थिति बदलेगी, आप जीवन में हर काम में सफलता प्राप्त करेंगे, ऊर्जा का संचार होगा, सुखी जीवन, भाग्यशाली दिन। आज का दिन आपके लिए तरक्की, लाभ, सौभाग्य और शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। आपके भाग्य चमक रहे हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में केतु की स्थिति, शुक्र की स्थिति बेहतर है, वही मंगल बृहस्पति की दृष्टि भी आपके जीवन में तरक्की का योग बना रहा है। बड़े बदलाव आपके जीवन में होंगे, आत्मविश्वास को बनाकर रखें। शुभ समय आ गया है, अब आपके जीवन में तरक्की, लाभ, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। किसी नए काम की शुरुआत करेंगे तो भाग्य में वृद्धि भी होगी, परिवार में खुशी भी बढ़ेगा, आपके लिए बड़ी तरक्की, सौभाग्य का अवसर भी प्राप्त होगा। आज आपकी चिंताएं भी दूर होगी, लाभ की स्थिति आपके भाग्य को और भी ज्यादा मजबूती देगा। आज का दिन उत्साह उमंग से आप अपने काम तो करेंगे और बड़ी सफलता, कामयाबी पाएंगे, नौकरी व्यापार भी अच्छा चलेगा, धन संपत्ति भी आपके जीवन में बढ़ेगा। आज चंद्रमा की स्थिति बड़ी सफलता का योग बना रहा है, वहीं आज शुक्र आपके जीवन में सुख देगा और केतु आपकी निराशा को दूर करेगा। आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बुध है, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, तृतीय चरण का स्वामी शुक्र है, चतुर्थ चरण का स्वामी मंगल। तो आपके दांपत्य जीवन में सुख है, आपके लिए तरक्की लाभ का योग है, बड़े प्रभावशाली आप होंगे। आज आपके लिए सफलता, कामयाबी का अवसर भी प्राप्त होगा, कर्म से सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आज आपके प्रतिभा भी निखर कर सामने आएगी, शनि का प्रभाव आपकी कुंडली में बेहतर होने से आपके जीवन में खुशियां भी बढ़ेगा, शुभ परिणाम की प्राप्ति भी होगी, आप भाग्यशाली भी होंगे, सफलता की बुलंदी पर पहुंचेंगे और आपके लिए दिन बड़ा शुभ साबित होगा। अश्वनी नक्षत्र का केतु और भरणी नक्षत्र का शुक्र आपकी किस्मत को बदलेगा। आज राहु काल 10:56 से 12:28 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आप बहुत मेहनती हैं, जीवन में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे, बड़ी सफलता पाएंगे, सुख सौभाग्य का योग है, धन संपत्ति का योग है। आज पश्चिम दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें, आपके लिए लकी कलर पिंक होगा, लकी नंबर 7 होगा। ब्रह्म मुहूर्त 4:47 से आरंभ होगा, जो आपके लिए बड़ा शुभ साबित होगा। सर्वा सिद्धि योग 6:21, अमृतकाल 6:24, अभिजीत मुहूर्त 12:03 और विजय मुहूर्त 2:30 आपके लिए शुभ है। आज आपके जीवन में खुशी बढ़ेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, लाभ होगा, किस्मत के सितारे चमक रहे हैं, भाग्योदय का शुभ योग बना हुआ है। आपके जीवन में बड़ी तरक्की, उन्नति का, सुख समृद्धि का अवसर प्राप्त होगा, सुख शांति आपके जीवन में बढ़ेगी, आप बड़े भाग्यशाली होंगे। आप हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आज का दिन सफलता से अपने सारे काम को आप पूरा करेंगे। आज आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, परिश्रम का अच्छा फल मिलेगा, सुख संपत्ति बढ़ेगी, आज आप भाग्यशाली हैं, इच्छित मनोकामना की पूर्ति होगी। आज आपके भाग्य का सितारा चमक रहा है, केतु शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में
तरक्की लाभ का अवसर प्राप्त होगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। जय श्री राम, जय हनुमान।